सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गूगल समर ऑफ कोड की। क्या होता है गूगल समर ऑफ कोड, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे प्रपोजल लिखे, कैसे कंट्रीब्यूट करें, कौन सी टेक स्टैक चूज करें, सब कुछ। मुझे लगता है ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको ज्यादा वीडियोज की जरूरत नहीं रहेगी इसके बाद। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो जिन्होंने खुद गूगल समर ऑफ कोड क्लियर किया था, तो वो हमें सब बताने वाली है, ठीक है। और मार्च 18 से जो है आप अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हो, राइट। तो सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड यार, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, और अगर आपको सब्सक्राइब भी नहीं करना तो आप एटलीस्ट वीडियोस जाके देख लो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा बाकी वीडियोस। आज जीसॉक की बात करने के लिए वी हैव विद अस पलक शर्मा, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में। खुद गूगल समर ऑफ कोड क्लियर किया था और उसी के साथ साथ वो आउटरीची में भी मेंटर रह चुकी हैं, एंड शी इज ऑल्सो अ गिटहब कैंपस एक्सपर्ट। तो हेलो मिशा, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। सबसे पहले तो ये बताओ कि जीसॉक है क्या, मतलब गूगल समर ऑफ कोड। गूगल का नाम लगता है तो लोग को इंटरेस्ट आता है, क्या है और क्यों अप्लाई करना चाहिए किसी को भी। तो गूगल समर ऑफ कोड एक तरीके से प्रोग्राम है जो गूगल ऑर्गेनाइज कराता है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज कराता है। तो ये एक एक जो नया बच्चा आता है उसके लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, ओपन सोर्स को जानने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल्सो इफ यू आर इन योर सेकेंड और थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज, तो उससे आपको डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और अगर आप जीसॉक में पार्टिसिपेट करते हो तो वो आपके करियर को और आपके रेज्यूमे को एक बहुत अच्छा बूस्ट प्रोवाइड करेगा। और दूसरा, इट ऑल्सो ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टाइपेंड एज वेल, जो आप अपने एक टाइप से ये अपॉर्चुनिटी है दोनों चीजों की। आप अपने रिज्यूमे को भी बूस्ट कर सकते हो और एक तरीके से अपने स्टाइपेंड को भी अर्न कर सकते हो। तो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और ये इसलिए है जिससे लोगों को ओपन सोर्स के बारे में अवेयर किया जा सके और उनको और ज्यादा ओपन सोर्स को बढ़ावा दिया जा सके। कितना स्टाइपेंड होता है ऑलमोस्ट? ऑलमोस्ट मतलब ये हर साल वेरी करता है काइंड ऑफ, पर अप्रोक्सीमेटली रहता है $1500 से $3300। मतलब आप कह सकते हो कि अप टू 2 लाख तक जा सकता है इफ वी कन्वर्ट इट टू रुपीज। तो सबसे पहले आप ये बताइए, एलिजिबल कौन है इसके लिए, कि कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इफ यू आर स्टूडेंट, और मतलब आपको 18 ईयर्स से अबव होना चाहिए इसमें बस पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकी अगर आप वर्किंग हो तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, और इफ यू आर स्टूडेंट तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये बताइए, अगर मैं सिलेक्ट हो जाऊं अभी जीसॉक में, राइट, मैं प्रपोजल लिखूं, मतलब आगे बात करेंगे, बट मैं सिलेक्ट हो जाऊं, क्या मेरे को फिर साइट मिल ही जाएगा? मतलब फिर कंट्रीब्यूट करूं मैं या नहीं करूं, कोड लिखूं या नहीं, तो मतलब क्या सीन रहता है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं रहता। अगर आपने, जैसे आपका प्रपोजल एक बार सेलेक्ट हो गया तो आपको फिर भी काम करना है और अच्छा काम करना है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 राउंड ऑफ इवेल्युएशन होते हैं। एक तो हाफ पे इवेल्युएशन होता है और एक फाइनल इवेल्युएशन होता है। हाफ में अगर आप जैसे जैसे अगर जून जुलाई अगस्त का रहता है, तो जुलाई के एंड में आपका एक हाफ इवेल्युएशन होगा जिसमें अगर आप पास करते हो या फेल करते हो वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के मेंटर के ऊपर, वो कैसा रिव्यू आपके बारे में लिखते हैं। तो अगर वो आपको फेल कर देते हैं तो आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा और आपको जीसॉक का कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। बट अगर वो आपको पास करते हैं तो आपको 50,000 मतलब उसका जितना भी आपका स्टाइपेंड है उसका हाफ अमाउंट आपको मिलता है। तो अगर आप 1 लाख के हिसाब से हो तो आपको 50,000 मिलेगा। एंड देन आपका एक फाइनल इवेल्युएशन होगा जो कि अगस्त में कंप्लीट होने के मतलब लाइक 31 अगस्त के अराउंड होता है। तो उसमें अगर आप पास करते हो तो ही आपको फुल टाइम मतलब पूरा फुल स्टाइपेंड मिलेगा, और साथ में आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जीसॉक का मिलता है। अदरवाइज फिर आपको कोई फायदा नहीं, अगर आप हाफ इवेल्युएशन भी पास कर लो तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये एक इंटर्नशिप जैसा है, तो बट वही कि गूगल का टैग लग जाता है तो थोड़ा सा प्रेस्टीजियस हो जाता है, स्टाइपेंड अच्छा मिल रहा है, और साथ ही साथ आपका रिज्यूमे बहुत बूस्ट होता है। वो तो है, मैंने देखा है कि ऑन कैंपस में कंपनीज जीसॉक वालों को करती थी शॉर्टलिस्ट, तो आपके रिज्यूमे को तो काफी बूस्ट मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि टाइमलाइन क्या है, कि कब से कॉन्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद क्या होता है? मैं एक काम करती हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ। तो अभी जब भी आपको मतलब टाइमलाइन वगैरह या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेन वेबसाइट पे आना है। तो यहाँ पे हम अगर टाइमलाइन का डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहला जो टाइमलाइन है मतलब ये वाला, यहाँ से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक वाला, इस पे एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर आपको इतना ध्यान नहीं देना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर हम जीसॉक की बात करें तो जीसॉक क्या है, मतलब जीसॉक के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आ करके गूगल को अपने प्रोजेक्ट्स देती हैं। वो गूगल जो है उन प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करता है और कुछ प्रोजेक्ट्स को आगे मतलब अप्रूव करता है, कुछ प्रोजेक्ट्स को अप्रूव नहीं करता। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना प्रपोजल भेजती हैं, उनकी ओपन होने की और डेडलाइन होने का डेट है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रपोजल गूगल के पास भेजती हैं तो वहां से
जो भी इवैल्यूएशन का प्रोसेस होने के बाद में जो एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो एज अ कंट्रीब्यूटर आपको क्या करना है कि उन एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में आना है और अपना चूज करना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपकी टेक स्टैक से मैच करती है और उस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा प्रोजेक्ट आपकी टेक स्टैक से मैच करता है। तो वो सारी चीज आपको अपना कंप्लीट करके रखना है मार्च 18 तक, मतलब ये आपके लिए पीरियड है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने के लिए, फेब 21 से मार्च 18 तक। उसके बाद मार्च 18 तक जब आप अपना कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप अपना प्रपोजल बनाने स्टार्ट करते हो। जब भी आप प्रपोजल बना रहे हो तो कोशिश करो कि आप एटलीस्ट एक बार तो उसे अपने मेंटर से रिव्यू करा लो। मेंटर इन द सेंस जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो उनसे एक बार रिव्यू कराओ, वो आपको बता देंगे कि कहाँ पे और ज्यादा मतलब रिसर्च करने की आपको जरूरत है या फिर इस टाइप से सारी चीजें मतलब उस रिव्यू में आपकी आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें कंप्लीट करना है आपको अप्रैल 2 तक, मतलब आपको अपना प्रपोजल इसमें सबमिट करना होता है। प्रपोजल आप कितने भी प्रोजेक्ट में सबमिट कर सकते हो, मतलब ऐसा एलिजिबिलिटी रहता है कि आप 1 से 3 प्रोजेक्ट में अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। तो बट लेकिन वही है, आपको कम में करना चाहिए और ज्यादा अच्छा प्रपोजल लिखने का ट्राई करना चाहिए। हाँ, प्रपोजल बेसिकली क्या होता है, जैसे आप प्रपोजल जैसे आपके पास में कोई भी प्रोजेक्ट आपको बनाना है तो आपको एक प्रपोजल लिखना है। उसमें बेसिकली क्या है, आप कैसे प्रोजेक्ट को आपको कितना समझ में आया वो प्रोजेक्ट, वो आपको लिखना है। आप प्रोजेक्ट से क्या समझ रहे हो कि ये एग्जैक्टली ये चीज बननी है, और फिर उसके बाद आप क्या क्या चीजें कैसे कैसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें लगा के कौन कौन से फीचर्स उसमें इम्प्लीमेंट करोगे, एंड देन आपको पूरा टाइमलाइन उसमें दिखाना है कि इस पर्टिकुलर वीक में मैं ये पर्टिकुलर चीज इम्प्लीमेंट कर दूं। मतलब वो पूरा आपका टाइमलाइन उसमें ऐसा पता होना चाहिए प्रपोजल के अंदर जिससे लगे कि हाँ आप कंप्लीट कर लोगे। तो वो सारी चीजें प्रपोजल में आती हैं। उसके बाद में एक बार आपने अपना प्रपोजल सबमिट कर दिया तो यहीं पे सबसे मेन है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं जो प्रपोजल लिखने के बाद सबमिट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन से हट जाते हैं, मतलब अपना बाकी चीजों पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहीं पे आपको क्या करना है, अभी भी कंट्रीब्यूट करते रहना है ऑर्गेनाइजेशन में, तभी उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होगा कि हाँ आप जीसॉक के बाद भी रुकोगे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ जीसॉक आपका एम नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद क्या है, आपकी प्रपोजल रैंकिंग होती है। तो प्रपोजल रैंकिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन करके देती है। जैसे इसमें एक बहुत मतलब समझने वाली चीज है ये स्लॉट वाली जीसॉक के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जीसॉक है तो गूगल क्या करेगी, कुछ ही स्लॉट आपको अलाइन करेगी। जैसे अगर समझो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने 5 प्रपोजल सबमिट किए गूगल को, पर गूगल के पास सिर्फ 3 ही सीट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो 3 सीट मिलेंगी वो प्रायोरिटी पे मिलेंगी। तो जो 5 प्रपोजल आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने गूगल को दिए उन पर रैंकिंग होगी कि रैंक 1 में हमारा ये है प्रायोरिटी पे, रैंक 2 पे ये प्रोजेक्ट और ये प्रपोजल है, तो वो चीज रहती है। तो जो ऊपर की 3 प्रायोरिटी वाले प्रपोजल होंगे उनको स्लॉट मिल जाएगा, बाकी जो 2 आपके प्रपोजल होंगे नीचे वाले उनको फिर स्लॉट नहीं मिलता और वो जीसॉक से बाहर हो जाते हैं। तो ये रैंकिंग वाला ही फेज है जो इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस रैंकिंग फेज में क्या करना है आपको कि जो आपका प्रोजेक्ट है उस पर जितने बच्चे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनसे तो आपको कम्पीट करना है ये टाइप ऑफ कि आपकी रैंकिंग आपका प्रपोजल उनमें सेलेक्ट हो, और साथ में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें भी आपकी रैंकिंग थोड़ी टॉप पे हो तो ज्यादा बेटर रहता है। तो आई होप आपको स्लॉट वाला पार्ट समझ में आया होगा। उसके बाद आपका ये स्लॉट एलोकेशन ये सारा कुछ मतलब गूगल की तरफ से हो रहा होता है। जब आपकी रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से जाती है तो स्लॉट आपका गूगल अनाउंस करता है, एंड स्लॉट के बाद में फिर आपको पता चल जाता है कि आपको कौन से प्रोजेक्ट पे अलॉट किया गया और आप मतलब सेलेक्टेड हुए हो कि नहीं हुए हो। उसके बाद आपका ये जो मई से लेके नवंबर तक का डेटा है इसमें आपको कंट्रीब्यूट करना होता है, मतलब कुछ प्रोजेक्ट जो होते हैं जो इजी लेवल के होते हैं वो आपके अगस्त तक कंप्लीट हो जाते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट आपके मतलब 12 वीक्स से लेके 22 वीक्स तक आपके प्रोजेक्ट खींच सकते हैं। तो जो सबसे आखिर का प्रोजेक्ट है वो नवम्बर तक जा सकता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो, एंड देन फिर आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है। आपको अगर अब कॉन्ट्रीब्यूट करना है मतलब तो टेक स्टैक तो आनी चाहिए, मतलब आपको कोई तो या तो लैंग्वेज आनी चाहिए या कुछ टेक या रिएक्ट आएगा या कुछ तो आपको आना चाहिए। तो कैसे आपने स्टार्ट किया था और किस टेक स्टैक से किसी को स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके प्रोजेक्ट्स में एक्चुअली? तो मेरे ख्याल से जो टेक स्टैक है वो मैटर नहीं करती, आप मतलब किसी भी फील्ड में स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि प्रोजेक्ट वो सभी टेक स्टैक पे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया। मेन आपका डिपेंड करता है कि आपको किस प्रोजेक्ट किस टाइप ऑफ टेक स्टैक में इंटरेस्ट है, और ऑल्सो आपको कोई एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है किसी भी टेक्नोलॉजी में। अगर आपको बेसिक भी आता है तो भी आप ऑन द वे लर्न कर सकते हो, जैसे जैसे आप कॉन्ट्रीब्यूट करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वैसे वैसे आपको और ज्यादा नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो मेन चीज वो है कि आप स्टार्ट करो कॉन्ट्रीब्यूट करना, रेदर देन कि आप इस चीज के बारे में सोचते रहो कि कौन से टेक स्टैक से स्टार्ट करना है।
सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स है, तो मैं चूज कौन सा करूं मतलब, और फिर पता भी नहीं कि वो टेक स्टैक हो सकता है आपको आती भी नहीं हो तो वो सीखनी भी पड़ जाए, तो ये थोड़ी दिक्कत है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है, कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना है, तो वो कैसे आपने किया था टैकल, या कैसे करना चाहिए किसी को टैकल? तो बेसिकली तो मुझे लगता है जब भी आप जीसॉक में जाने की सोच रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो आपको कंट्रीब्यूशन पहले से स्टार्ट करना है। जैसे लाइक अक्टूबर नवंबर के फेज में आप कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उससे क्या होगा, एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि कंट्रीब्यूशन कैसे करना है, और दूसरी चीज होता है कि अगर आप अभी स्टार्ट करोगे जैसे मार्च के टाइम पे जब प्रपोजल का टाइम है, तो उस टाइम पे एक तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है और ऊपर से कॉम्पिटिशन, क्योंकि सारे बच्चे इसी टाइम पे आते हैं कॉन्ट्रीब्यूट करने, तो आपकी पीआर वगैरह को रिव्यू करने में बहुत टाइम लगता है मेंटर को। तो अगर आप स्टार्टिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हो, तो आपको क्या करना है चूज करने के लिए, सबसे पहले तो आप देखो कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले जीसॉक में आती रही है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो सिर्फ एक बार आती है, या मतलब बहुत कम कम आती है, और कुछ ऐसी होती है जो हर साल आती है जीसॉक में। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्किट वर्स है, तो वो हर साल आपका जीसॉक में आती है, तो आपको कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चूज करना है जिसके चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो इस बार जीसॉक में आ सकती है। तो पहली चीज तो ये रही। दूसरा, आपकी वो टेक स्टैक से मैच करें, जैसे आपकी जावास्क्रिप्ट के टेक स्टैक है, तो आप सर्च कर लो आप जीसॉक के पेज पे जाके जावास्क्रिप्ट, तो आपको सारी वही ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी जो जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है, तो आपको उस टाइप से चूज करना है। उसके बाद उनका सेटअप करना स्टार्ट करो, और सेटअप अगर नहीं होता है तो थोड़ा हेल्प लो अपने सीनियर्स से, मेंटोर से हेल्प ले सकते हो आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले स्टार्ट करो तो आप पहले से आपको सारे सेटअप वगैरह आते होंगे, बट आप मेंटर्स की हेल्प लो और वो आपको हेल्प कर देंगे सेटअप वगैरह करने में। उसके बाद आपका जब बिल्कुल टाइम आ जाता है फेब और मार्च का, तब तक अगर आप ट्राई कर सकते हो, आपके पास टाइम है, तो आप एक साथ दो ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके चलो, जिससे अगर एक के प्रोजेक्ट ज्यादा टफ हो जाते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन जीसॉक में सेलेक्ट नहीं होती, तो आपके पास एज अ बैकअप ऑप्शन दूसरा रहे। पर अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो फेब के टाइम पे आप देखो कि प्रोजेक्ट कौन कौन से आए हैं, वो जो प्रोजेक्ट आए हैं वो आपकी जो टेक स्टैक है उसका अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हो सकता है कि आप जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट किसी और तरीके के आपके जो प्रोजेक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, उस टाइम आपको स्विच करना पड़ सकता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसीलिए मैटर करता है कि आपको कंट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस हो, तो जब आप स्विच कर रहे हो तो आप उस टाइम पे भी अपने कंट्रीब्यूशन कर सकते हो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर आप स्विच कर भी रहे हो, तो पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके कंट्रीब्यूशन है वो आपकी दूसरी वाली ऑर्गेनाइजेशन देखेगी, तो ऑब्वियसली उन्हें आपके एक्सपीरियंस पे बिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आप चूज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, जब प्रपोजल हमें लिखना होता है तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, या कोई ऐसी टिप्स जो आपको लगता है कि हेल्प करेंगी? जब भी आप प्रपोजल लिख रहे हो, तो सबसे मेन है कि आपका प्रपोजल मतलब थोड़ा डिटेल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई छोटा सा प्रपोजल लिख रहे हो, और इस टाइम पे जैसे अब AI बहुत ज्यादा चल रहा है, चैट GPT और ये जो भी जेमिनाई वगैरह बार्ड है, तो इन सारे में क्या है कि आप इनका यूज कम से कम ही करो, मतलब अपना AI वगैरह का। जैसे जिस टाइम पे हम मतलब 2022 के अराउंड में तो इतना ज्यादा चैट GPT और AI नहीं था, तो बट मेरा मानना ये है कि आपके प्रपोजल के अंदर जो AI की जो डिटेल्स होती है जो आप यूज करते हो, वो दिख जाता है कि आपको कितना आता है और AI ने क्या चीज बताई है। तो AI की आप हेल्प ले सकते हो, पर इतना ज्यादा नहीं करो। दूसरा, मेरे ख्याल से प्रपोजल में आपका सारी चीजें क्लियर होना चाहिए कि आपको जो प्रोजेक्ट है वो क्लियर है, उसके अंदर क्या चीज रिक्वायर है, क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन चाहती है बनाना। दूसरा, आपको अपना सॉल्यूशन ही क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चीज बोल रहे हो। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू भी होता है प्रपोजल के बाद में, जिसमें वो और ज्यादा क्लैरिटी लेते हैं कि आपने क्या मतलब लिखा है प्रपोजल के अंदर, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। ऐसा नहीं कि आपको जो टेक स्टैक आती नहीं है, मतलब कुछ भी आप लिख रहे हो रैंडम सर्च करके गूगल से। और दूसरी चीज ये है कि आप डिटेल में ये लिखो कि आप कैसे कैसे मतलब चीजों को डिलीवर करोगे, कैसे कैसे किस किस वीक में आप क्या क्या चीज डिलीवर करोगे। दूसरा, आप ये लिख सकते हो कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या चीज इंटरेस्ट करती है, आपको मतलब क्या चीज ऐसी है जो आप बनाना चाहते हो उस प्रोजेक्ट के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा फीचर है जो हो सकता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ना दिए हो, तो आप उनको अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकते हो। तो आप जितना डिटेल में जा सकते हो, उतना डिटेल में प्रपोजल में आप जाना चाहिए। तो आपने ये तो जनरल टिप्स बता दी, बट आपका क्या एक्सपीरियंस था जीसॉक का, कैसे आप सिलेक्ट हुए और क्या आपकी मेमोरीज है उसकी? तो जीसॉक में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो वी आर लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने साथ में स्टार्ट किया था जीसॉक में कंट्रीब्यूट करना। तो मैं यही कहूंगी, अगर आपके साथ में भी कोई ऐसा पार्टनर है, जो भी मतलब आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में कोई ऐसा है जिसको जीसॉक में कंट्रीब्यूट करना है, तो आप उसके साथ करो, उससे एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है। तो ये चीज मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस लगा कि मेरे को अपने कॉलेज में एज अ Tier 3 कॉलेज, वहाँ पे कम लोग ही रहते हैं जो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, पर लेकिन मेरी क्लास में वो चीज थी। तो मतलब हम लोगों ने, हमारी क्लास में 3-4 जीसॉकर्स थे जो एक ईयर में सेलेक्ट हुए थे, तो हम लोगों ने साथ में कॉन्ट्रीब्यूट किया, वो एक अच्छी चीज है।
उसके बाद में आपको सेटअप करना है, उसमें कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपसे सेटअप नहीं हो रहा, तो उसमें आपको गिव अप नहीं करना। कभी कभार एक एक वीक लग जाता है एक एक पीआर को मर्ज होने में, रिव्यू होने में, और ऐसा होता है कि जैसे एक ही पीआर रिव्यू हो रही है, अब वो कोई टफ पीआर है तो उसमें मेंटर बार बार आपको कुछ बता रहा है, फिर आपको चेंज कर रहे हो, फिर वो रिव्यू कर रहे हैं, फिर आपको चेंज कर रहे हो, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये चीजें नॉर्मल है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रही पर हर बच्चे के साथ मतलब यही चीजें होती है। उसके बाद में जो प्रपोजल फेज है वो इम्पोर्टेंट है, उस टाइम पे आपको बहुत ध्यान लगा के उस पर करना होता है प्रपोजल रेडी। उसके बाद में सबसे मतलब जो अच्छी मेमोरी है मेरी एक्सपीरियंस में जीसॉक की, वो है जब हमारा प्रपोजल सेलेक्ट मतलब प्रपोजल चला गया था, मतलब मैं अपने तरफ से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मुझे इस बार सेलेक्ट कर लेंगे, पर मेरे मेंटर ने मतलब मैं ज्यादा अपने मेंटर से पूछती थी कि कैसा रहा, अब क्या हो रहा है मतलब जीसॉक में इंटरनली, तो उन्होंने बोला कि हमारे तरफ से जीसॉक में आपका प्रपोजल सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो मतलब ये बिल्कुल प्रपोजल के उसी दिन की बात है, मतलब जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उससे एक दिन पहले की बात है, तो उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से चीजें जीसॉक में सही नहीं हुई है। और मतलब आई वॉज लिटरली क्राइंग कि इतने दिन की मेहनत बस वेस्ट ही हो गई। पर सर फिर मतलब पूरे दिन भर उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि मतलब आपका सिलेक्शन है, मतलब आई वॉज ऑन प्रायोरिटी वन, जो स्लॉट वाला एलोकेशन होता है उसमें प्रायोरिटी वन पे था, तो एक स्लॉट तो मिलता ही मिलता, तो मैं तो सिलेक्टेड थी, मतलब उनको पता थी ये बात। पर लेकिन वो थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है कि एक दिन पहले मुझे रही होना चाहिए था, बट ठीक है, थोड़ा लगता है जब आप ज्यादा दिन उस पे चीज को कंट्रीब्यूट में लगा दो तो। बट फिर उसके अगले दिन जब मेरा रिजल्ट आया तो फिर मुझे बहुत खुशी भी उसी चीज की हुई, तो सर ने बोला कि वो मतलब आपने आगे सारे सारे जितने भी मेंटी उनके होंगे सबके साथ ऐसे ही प्रैंक किया करें। पर फिर ठीक है, मतलब काफी अच्छा रहता है, आप अगर कोई चीज अचीव करो अपने स्टार्टिंग ईयर्स में तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगी और साथ में आपका रिज्यूमे को भी बूस्ट मिलता है। तो ये तो मतलब बढ़िया था, आपके साथ प्रैंक हो गया ये तो ठीक है। तो उसके अलावा आपको क्या लगता है, कोई ऐसी टिप्स जो आपको लगता है जो हमने कवर नहीं किया वीडियो में, जो किसी को अगर जीसॉक देना या क्या मेंटालिटी साथ जाना चाहिए, तो इन जनरल कोई टिप्स? टिप्स में मैं यही बोलूंगी कि जीसॉक को आप सिर्फ एक एंड गोल लेके मत चलो, कि मतलब आपको सिर्फ जीसॉक क्रैक होता है तो ठीक है, और नहीं होता तो फिर मतलब बहुत ज्यादा मेहनत वेस्ट ही हो गई आपकी, क्योंकि आप जब कंट्रीब्यूट करते हो और बहुत ज्यादा ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हो तो वो आपको एक तरीके से अच्छा डेवलपर बनाता है, और जो एक इंटर्नशिप में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको एट एन अर्ली स्टेज मिल रहा होता है। और अगर आप एक बार जीसॉक क्लियर नहीं कर पाते तो आपके पास नेक्स्ट ईयर पे भी चांस रहेगा जीसॉक क्लियर करने का, और हमेशा मतलब आपके पास चांस रहेगा ही रहेगा। मेरे पास खुद की मेरी फ्रेंड है जिसने 2022 में हम सबके साथ में थी पर उसका प्रपोजल सेलेक्ट नहीं हुआ था, बट इन द नेक्स्ट ईयर 2023 में उसका सर्किट वर्स में प्रपोजल सेलेक्ट हो गया था। तो यही चीज है, मतलब टिप्स मेरे ये है कि आप कभी भी गिव अप मत करो, जैसे आपका सेटअप के टाइम पे, पीआर के टाइम पे, बहुत सारे ऐसे फेज आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि मेरे बस की नहीं है मतलब जीसॉक करना, बट गिव अप मत करो और बाकी सारी चीजों को एक अच्छे तरीके से लेके चलो और अपना ट्राई करो कि हर चीज में आप बेस्ट दे रहो, प्रपोजल फेज हो गया या फिर ऑर्गेनाइजेशन चूज करने का फेज हो गया, वो सारी चीजों में भी। सो थैंक यू सो मच पलक फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो आपने बताई, काफी यूजफुल होने वाली है वीडियो। पलक ने एक अपनी वीडियो भी बनाई थी यूट्यूब पे अपनी जर्नी को लेके जीसॉक की, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और साथ ही साथ पलक के लिंक्डइन का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू मीशा फॉर इनवाइटिंग मी एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को जो भी जीसॉक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो।